बात ऐसी है कि इन सारी लीगल लड़ाई में टाइम तो लगेगा, और हमारे पास ऑप्शन क्या है? आज मैं और आप पार्लियामेंट में जाके तो जा नहीं सकते और ना इसको बिल पास करा सकते हैं, और अगर बिल भी पास कराया जाएगा तो बोला जाएगा कि दूसरे बार कहेगा कि हमें सुनवाई का मौका नहीं दिया। तो इन सारी चीजों का एक जो कल्चर्ड अप्रोच है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच है, वो यही है कि जुडिशियरी के माध्यम से ये सारी चीजें डिसाइड की जाए। अब जिसे कहते हैं आज नहीं मतलब कभी ना कभी, तो जब जागो तब सवेरा है। अब हमारा समाज जागा है, मैंने केसेस फाइल किए 40,000 मंदिरों के लिए, हर समाज में, नासिक में, हर जगह लोग केसेस फाइल करेंगे। यही तो हमारी मुहिम है, इसलिए तो मैं आपके बीच में आया हूँ कि हमसे ये सारी पेटिशंस लीजिए, हमसे जो हेल्प चाहिए वो लीजिए, और सारे सनातन समाज से, मैं नहीं, हमारी ये मुहिम है कि समाज इसमें इकट्ठा हो, हर एक वकील इसमें इकट्ठा हो, और 40,000 मंदिरों के लिए हर एक आदमी केस डाले, कम से कम उसको डिस्प्यूटेड तो करें। आज कितने ऐसे मंदिर है जो अनडिस्प्यूटेड जा रहे हैं, कितने ऐसे मंदिर हैं जिसको गलत ढंग से मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया है और हम आवाज भी नहीं रेस कर पा रहे। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ गौशाला का, जो सरस्वती माँ वाघ देवी का मूल स्थान है। आज आप जान के हैरान हो जाएंगे, मेरे तो दिमाग फट जाते हैं। कैन यू इमेजिन इंडिया की हिस्ट्री में ASI ने एक ऐसा ऑर्डर पास किया है कि ट्यूजडे को हिंदू समाज के लोग उस परिसर में जाके पूजा करेंगे और फ्राइडे को उसी जगह मुस्लिम समाज के लोग जाके नमाज पढ़ते हैं, और जब नमाज पढ़ने जाते हैं तो यज्ञ कुंड में थूकते हैं, संस्कृत की रिचाई मिटाते हैं। तो सिर्फ ये काम अकेले मैं तो जितना मैंने तो ये शपथ ली है, मैंने और मेरे बाबूजी ने, कि जब तक हमारे जीवन में जितना हमारे पास जीवन है अपना हर एक चीज मंदिरों के रेस्टोरेशन के लिए और धर्म की संस्थापना के लिए हम लगाएंगे। पर मैं ये चाहता हूँ कि सारे लोग